कितना भी पकड़ लो मित्रों, यह फिसलता जरूर है, यह वक्त है बदलता जरूर है। इसी क्रम में आज मैं अपने मित्रों के साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यह कहानी उस व्यापारी की है जिसकी एक लकड़ी की बहुत बड़ी दुकान थी, जो अपने शहर में सबसे बड़ी दुकानों में से मानी जाती थी। उस व्यापारी का एक मित्र था जो वैज्ञानिक था। वह एक दिन उसके दुकान पे आया और देखा कि अपने मित्र की जो दुकान थी, जो पहले आया था, तो देखा वो काफ़ी भरी पूरी थी और बहुत सारा स्टाफ था, बहुत सारे लोग थे, तमाम ग्राहकी थी, बहुत सारे ग्राहक आके जो है सामान लिया करते थे। मगर जब वो आज यहाँ आया तो उसे कुछ बदला दिखाई दिया। कम ग्राहक थे, कम कर्मचारी थे। अपने मित्र से उसने पूछा कि मित्र ये बताओ कि सब ठीक है ना? तो उसके मित्र ने कहा, व्यापारी मित्र ने कहा कि हाँ सब ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है और दुकानदार बढ़िया, दुकान बढ़िया चल रही है, ग्राहकी अच्छे हैं। तो उनके वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि अच्छा ठीक है मित्र, मैं चलता हूँ। और वह वैज्ञानिक मित्र अपने मित्र को संडे को जो है चाय पे न्योता देके चले गए। संडे आया, इसका व्यापारी मित्र अपने वैज्ञानिक मित्र के यहाँ गया। दोनों मित्र आपस में बैठे थे, अपना हालचाल लिया, परिवार के बारे में पूछा। और वैज्ञानिक मित्र ने अपने स्टाफ से कहा कि जाओ हम दोनों लोगों के लिए बढ़िया चाय बना के लाइए। तो दोनों मित्र चाय के लिए बैठ गए। तब तक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि क्यों ना चलो हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आओ मेरी लैब में चलो, मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो व्यापारी मित्र बहुत उत्साहित था कि अरे वैज्ञानिक मित्र के आया हूँ और मुझे एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। वह जाता है तो वैज्ञानिक मित्र एक मेंढक लेते हैं जिसको एक जार में पानी रहता है, जो पानी जो है गर्म रहता है, और उस मेंढक को उसमें डाल देते हैं। तो मेंढक तुरंत उस पानी में से निकल के बाहर गिर जाता है, बाहर उछल जाता है। तो वैज्ञानिक मित्र उससे कहते हैं, देखा मित्र, यह मेंढक गर्म पानी को एडजस्ट नहीं कर पाया, यह उसके लिए ठीक नहीं था, अनुकूल नहीं था, तुरंत उसने अपने आप को उससे बाहर कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसी मेंढक को वैज्ञानिक मित्र ने एक ठंडे पानी के जार में डाला तो मेंढक बड़े आराम से कंफर्टेबल होके वहाँ पर रहने लगा। अब उस वैज्ञानिक मित्र ने उस जार को गर्म करने के लिए हीटर पर रख दिया। टेम्परेचर बढ़ाने लगे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, मेंढक बड़े आराम से उसमें था। थोड़ी देर के बाद थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा, मेंढक फिर भी आराम से था। ऐसे धीरे धीरे वो टेम्परेचर वैज्ञानिक मित्र उनके बढ़ाते चले गए। एक समय ऐसा आया कि टेम्परेचर बढ़ता ही रहा, मेंढक अपने आप को उसमें एडजस्ट करता रहा। धीरे 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 मेंढक अपने आप को एडजस्ट करता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि मेंढक की मृत्यु हो गई। तो व्यापारी मित्र कहता है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, तुमने तो एक मेंढक की जान ले ली। तो वैज्ञानिक मित्र तुरंत उसको वहीं उत्तर देता है, नहीं मित्र ऐसा नहीं है, इस मेंढक ने अपनी जान खुद ली है। तुमने देखा नहीं, जब मैंने इसको गर्म पानी में डाला ये तुरंत उछल के बाहर निकल आया, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ इसने क्या किया कि पहले ठंडे पानी में रहा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहा, ये अपने आप को एडजस्ट करता रहा और पूरी एनर्जी इसने अपने आप को एडजस्ट करने में लगा दी। और धीरे 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 जब उसको निकलने का टाइम आया, जब टेम्परेचर बढ़ता रहा, जब उसको निकलने का टाइम आया, तो उसकी पूरी एनर्जी अपने आप को उस समय तक एडजस्ट करने में ख़त्म हो गई और उसके पास अपनी एनर्जी नहीं बच पाई और वो बाहर नहीं निकल पाया और मर गया। तो कहीं मित्र तुम भी तो ऐसा नहीं ना कर रहे अपने व्यापार में, क्योंकि मैं जब आया था तो उस समय व्यापार तुम्हारा कुछ और था, अभी कुछ और है, तुम भी कहीं अपने व्यापार में एडजस्ट तो नहीं कर रहे। मित्र कहीं समय निकल ना जाए, इसलिए अपने आप को, अपने व्यापार को बचाओ। इसी तरह हम सब भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे होते हैं, घर में, ऑफिस में, समाज में। इसलिए अपने आप एनर्जी को अपनी बचा के रखें और एडजस्ट करने में ही नहीं समय बिताएं,
कुछ नया करें अपनी लाइफ को बदलने में, एडजस्ट करने में ही आपकी पूरी एनर्जी चली जाएगी तो आप निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। ये कहानी हमें यही सिखाती है। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कृपया मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपने मेरी कहानी सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।